हेलो फ्रेंड, दिस इज एनके मिश्रा एंड यू आर वॉचिंग एनके मिश्रा क्लासेस। इस वीडियो में आप सीखेंगे इंग्लिश ग्रामर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो आपको ज़्यादा परेशान करता है और वो है प्रीपोजिशंस। आप इसे देखकर तो समझेंगे ही नहीं या फिर आपको लगेगा ही नहीं कि आप प्रीपोजिशन सीखने जा रहे हैं। प्रीपोजिशन पढ़ाने का एक नया तरीका मैं आपके लिए लाया हूँ। इसके जरिए प्रीपोजिशंस इंग्लिश ग्रामर में ये आपके दिमाग में पूरा सेट कर जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से आप इसे लिख सकते हैं या फिर बोलने में यूज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं के इधर उधर, के आसपास, होने होने को है, होने ही वाला, या फिर पूरे राज्य भर में, के पीछे पड़ना, से सटकर, के खिलाफ होना, की तैयारी में, या फिर खत्म करने के लिए। तो इन सब को आप इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, कैसे यूज करेंगे, तो आज के इस क्लास में प्रीपोजिशन का सुंदर सा प्रयोग जिसे सीखकर आप आसानी से बोलने और लिखने में यूज कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। आपको बता दें कि मैं रोज सवेरे 5 बजे वीडियो अपलोड करता हूँ, रोज सवेरे जब बिछावन पर होते हैं उसी समय। तो जरूरी है कि आप रोज सवेरे सवेरे हमारे इस वीडियो को देखिए, सीखिए, और कुछ भी अगर आपको लगे नहीं समझ में आए तो फिर पूछिए जरूर। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन याद रहे कि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी करने जा रहा हूँ, और अगर आप इसे ठीक से नहीं देखेंगे तो फिर समझेंगे नहीं। तो एक एक पॉइंट को ठीक से देखिए। सबसे पहला सेंटेंस है, वह मंदिर के इधर उधर भटक रहा है। अगर आप देखें के इधर उधर, तो बहुत सारे कई वर्ड्स का यूज करना पड़ेगा, हियर एंड देयर, नियर, क्या क्या यूज करना पड़ेगा। लेकिन मात्र एक प्रीपोजिशन से ये सब का मीनिंग हो जाएगा। तो देखते हैं, वह मंदिर के इधर उधर भटक रहा है तो क्या लिखेंगे। तो ही इज, और भटकना का वांडरिंग, ही इज वांडरिंग, और कहाँ भटक रहा है तो मंदिर के इधर उधर, तो अबाउट, अबाउट द टेम्पल। वह मंदिर के इधर उधर भटक रहा है तो ही इज वांडरिंग अबाउट द टेम्पल। चलिए, वह मेरे घर के आसपास रहता है, वह मेरे घर के आसपास रहता है, तो फिर इसे कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे और कौन सा प्रीपोजिशन का यूज होगा। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के तरीके से इसे बनाते हैं। वह रहता है तो ही लिव्स, और कहाँ रहता है तो मेरे घर के आसपास। बहुत सिंपल तरीके से इसमें भी आप अबाउट का यूज करेंगे। तो ही लिव्स अबाउट, अबाउट, और मेरे घर के आसपास, तो यहां पर माय हाउस, यानी कि ही लिव्स अबाउट माई हाउस, वो मेरे घर के आसपास रहता है। और नेक्स्ट सेंटेंस है, गाड़ी आने ही वाली है। इसका मतलब है कोई कार्य शीघ्र ही घटित होने वाला है। तो इसके लिए भी आप अबाउट का यूज करेंगे, जैसे एन एक्शन गोइंग टू टेक प्लेस इन नियर फ्यूचर। जब भी कोई कार्य आने वाले मन बहुत ही कम समय में घटित होने वाला है तो फिर आप अबाउट का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब गोइंग टू, जस्ट गोइंग टू टेक प्लेस, तुरंत होने वाला है। तो द ट्रेन, द ट्रेन, गाड़ी आने ही वाली है, तो इज अबाउट, और गाड़ी आने के लिए कम का प्रयोग अच्छा नहीं होगा, तो द ट्रेन इज अबाउट टू अराइव, द ट्रेन इज अबाउट टू अराइव, ट्रेन आने ही वाली है या फिर गाड़ी आने ही वाली है। और नेक्स्ट सेंटेंस है, यह पेड़ गिरने ही वाला है। अब इसमें भी कोई कार्य शीघ्र घटित होने वाला है, जल्दी ही होने वाला है, तो इसके लिए भी आप अबाउट का यूज करेंगे। तो दिस ट्री, मतलब यह पेड़, और गिरने ही वाला है तो क्या यूज होगा, तो इज, दिस ट्री इज अबाउट, About to fall, है ना, This tree is about to fall, यह पेड़ गिरने ही वाला है। चलिए, यह बीमारी पूरे राज्य में फैल गई। कोई बीमारी, खासकर बिहार में अभी एक बीमारी चली हुई है इंसेफ्लाइटिस का, तो पूरे बिहार में फैली हुई है, खासकर मुजफ्फरपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ फैली हुई है। तो यह बीमारी पूरे राज्य भर में
फैल गए, तो हम इसका यूज अब अबाउट का प्रयोग तो नहीं होगा। तो पूरे राज्य में अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूज़पेपर में पूरे राज्य के लिए या पूरे देश के लिए क्या क्या कौन सा प्रीपोजिशन यूज की जाती है, आपको याद आया होगा। देख लीजिए, यह बीमारी पूरे राज्य में फैल गई, तो दिस डिजीज और पहले देखेंगे फैल जाना का, तो ब्रोक आउट दिस डिजीज ब्रोक आउट और पूरे राज्य में, तो अक्रॉस द स्टेट यह बीमारी पूरे राज्य में फैल गई, दिस डिजीज ब्रोक आउट अक्रॉस द स्टेट। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, लोग पूरे देश भर में विरोध कर रहे हैं, लोग पूरे देश भर में विरोध कर रहे हैं, तो पीपल आर प्रोटेस्टिंग और पूरे देश भर में, तो अक्रॉस द कंट्री लोग पूरे देश भर में विरोध कर रहे हैं, पीपल आर प्रोटेस्टिंग अगेन अक्रॉस द कंट्री पूरे देश भर में, मतलब कोने कोने में, तो इसके लिए आप अक्रॉस का यूज करेंगे। तो आपने यहां तक सीखा, अब आगे चलते हैं और एक एक पॉइंट को सीखने का प्रयास करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और हम नीचे शुरू करते हैं, क्योंकि अभी बिहार में मस्तिष्क ज्वर फैले हुए हैं। तो चलिए पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं, इसे देखते हैं। मस्तिष्क ज्वर की तैयारी में एक भी टीका नहीं है, मतलब यहाँ पर ये देख लीजिए दोनों इसी में हो गया कि तैयारी में या फिर खत्म करने के लिए, मस्तिष्क ज्वर को खत्म करने के लिए एक भी टीका नहीं है। तो हम इससे कैसे ट्रांसलेट करेंगे, देयर इज नो इंजेक्शन और यहां पर इन दोनों के लिए कौन सा प्रीपोजिशन का यूज होगा, समझ सकते हैं और सोच सकते हैं। सोचिए क्या होगा, यहां पर अगेंस्ट का यूज करेंगे, देयर इज नो इंजेक्शन अगेंस्ट और मस्तिष्क ज्वर का ब्रेन फीवर मतलब मस्तिष्क ज्वर की तैयारी में या फिर इसे खत्म करने के लिए कोई टीका नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, वे लोग सरकार के फैसले के खिलाफ हैं। तो याद रखें यहां पर अलग अलग प्रीपोजिशन का भी यूज हम करने जा रहे हैं, तो एक एक सेंटेंस को ठीक से देखने का प्रयास कीजिए और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी तो करने जा रहा हूं। तो वे लोग सरकार के फैसले के खिलाफ हैं, तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो they are against the decision of the government वे लोग सरकार के फैसले के खिलाफ हैं। चलिए, वह पेड़ से सटकर बैठा हुआ है, अब यहां पर कौन सा प्रीपोजिशन का यूज होगा, से सटकर बैठना, तो इसके लिए कौन सा प्रीपोजिशन सटीक होगा, और इसके लिए सबसे सटीक अगेंस्ट ही होगा, जैसे ही इज, अब से सटकर बैठना, किसी के सहारे बैठा होना, लेटे रहना, तो इसके लिए लीनिंग तो यूज करेंगे ही और प्रीपोजिशन इसमें अगेंस्ट का प्रयोग होगा, तो he is leaning against a tree वह पेड़ से सटकर बैठा हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट है, वह दीवार से सटकर खड़ा है, बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि दीवार, जब पेड़ से सटकर अगेंस्ट हुआ तो दीवार से सटकर क्या होगा, तो इसके लिए भी आप यूज करेंगे ही इज और से सटकर खड़ा है, तो पहले खड़ा है तो स्टैंडिंग, ही इज स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल ही इज स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल, वह दीवार से सटकर खड़ा है। अब आपके पास जो सेंटेंस है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
वह मेरे जान के पीछे पड़ी हुई है या फिर वह पैसा के पीछे पागल है। कैसे होगा, वह मेरे जान के पीछे पड़ी हुई है या फिर वह पैसे के पीछे पागल है। तो पहले हम बनाते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, वह पैसा के पीछे पागल है, और इसमें देखते हैं कौन सा प्रीपोजिशन उपयुक्त होगा। तो वह पैसा के पीछे पागल है, ही इज मैड, और बहुत सिंपल प्रीपोजिशन है और वो है आफ्टर का यूज करना है, ही इज। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है, अगर आप किसी से पूछेंगे तो उसे सोचना पड़ेगा कि आखिर इसमें कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा या फिर कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसे। तो ही इज मैड आफ्टर मनी, वह पैसा के पीछे पागल है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, वह मेरे जान के पीछे पड़ी हुई है। अगर कोई किसी के पीछे पड़ा हुआ है, मान लीजिए पुलिस चोर के पीछे पड़ा हुआ है, कोई आदमी आपके जान के पीछे पड़ा हुआ है, तो इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे, कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा इंग्लिश ग्रामर में। तो वह मेरे जान के पीछे पड़ी हुई है, तो सी इज, और बहुत सिंपल प्रीपोजिशन, इसमें भी आफ्टर का यूज होगा। सी इज आफ्टर माई लाइफ, सी इज आफ्टर माई लाइफ, वह मेरे जान के पीछे पड़ी हुई है। तो उम्मीद है कि आपको यह टोटल वीडियो समझ में आ गया होगा, लेकिन अब है समय आपसे क्वेश्चन करने की, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन करेंगे। गाड़ी आने ही वाली है, कितना सिंपल है, आप आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए, गाड़ी आने ही वाली है, इसे आप कैसे ट्रांसलेट करते हैं, अभी कमेंट बॉक्स में लिखिए, आंसर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।